हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं CRS यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, और लगातार आप देख भी रहे होंगे कि मैं आपको सभी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी देता रहा हूं। तो आज CRS वाले सावधान हो जाएं, एक दिन में 128 UMC बनी है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये देखिए यूनिवर्सिटी ये कैसी यूनिवर्सिटी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया था, पेपर होने से पहले एक वीडियो मैंने डाल दी थी अपने चैनल पर, कि गुप्त जानकारी थी वो, कि जो आपकी जिन यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में फ़ायदा है। उसमें मैंने सब बातें बताई थी कि एग्ज़ाम ऑफलाइन देने में क्यों फ़ायदा है, क्यों आपका मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में नुकसान है। तब भी बच्चे नहीं मान रहे, तो अब भी तो नुकसान तो भुगतना ही होगा। और एक दिन में 128 UMC बनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ खबर क्या है। पहले दिन 128 मतलब पहले दिन ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले 128 विद्यार्थियों के बने UMC, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें बोला गया, सिर्फ ऑफलाइन से में कहीं बात नहीं करी है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे लें तो आपको फ़ायदा है, खासकर जो CRS यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। CRS की तरफ से सोमवार से प्रथम वर्ष की UG व PG कक्षाओं की परीक्षाएँ ली गई। इस पहले दिन ऑनलाइन परीक्षाओं के दौरान 128 विद्यार्थी UMC बने। इस दौरान बच्चों का कैमरा बंद हो गया, विद्यार्थी परीक्षा के दौरान इधर उधर गए और उनके आसपास कोई घूमता नजर आया। ऑनलाइन परीक्षा के पहले दिन 1980 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 128 का मतलब UMC केस बन गया है। कुल 7000 विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है, जिसमें से 4000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुना है। मात्र 4000, यहाँ पर भी आप हिसाब लगा सकते हैं दोस्तों, मतलब 7000 में से 4000 ने ऑनलाइन का विकल्प चुना है, उनमें से 128 की मतलब UMC बन गई है, जबकि 3000 ने ऑफलाइन का विकल्प चुना है। मैंने आपको वीडियो में बोला था पहले भी कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दें, उसमें जानकारी मैंने आपको सभी जानकारी दी है, क्यों आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या फ़ायदा है उसमें, ऑनलाइन का क्यों फ़ायदा नहीं है, ये आपकी इस खबर में भी लिखा हुआ है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक एवं रजिस्ट्रार अजमल ने बताया कि अपने पहले दिन विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान UMC बनी है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, अगर आप इधर उधर मतलब देखेंगे या कोई भी आपकी कैमरे में हलचल हुई, तो आपकी UMC बन सकती है। चाहे आपका नेट बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपकी UMC बना देगी CRS यूनिवर्सिटी। और आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए कि मैंने उसमें मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में क्यों फ़ायदा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो का, आप वहां पर जाकर देखिए मैंने क्यों बोला था कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दें CRS वाले। तो फिलहाल यही अपडेट थी, अगर और कोई अपडेट मेरे पास आती है जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हरियाणा की, सभी से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।